अरे 2019 और 20 में से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस थे। 19 और 20 के क्वेश्चंस। हाँ जी हाँ जी। और 23-24 के कोई हाल फिलहाल के? कह रहा है जीके में कुछ मुश्किल सवाल आ रहा है जो कोई नहीं कर पा रहा है, ऐसा है क्या? फिर हाँ, तो 23-24 का कुछ नहीं, कुछ रखा है और 19 का भी कुछ रखा है। आपने कितने साल के देखे थे करंट अफेयर? मैंने 2022-23 के और 24 के। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आए हैं MTS एग्ज़ाम सेंटर पर और यहाँ पर अभी पेपर छूट गया है और चलिए जानते हैं पेपर किस लेवल का था। और जैसे कि हम हमेशा रिव्यू करते हैं और आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न में क्या चेंजेस आ रहा है या फिर ट्रेंड किस तरह से चेंज हो रहा है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल कैसा है। तो अभी पेपर छूट गया है, कुछ स्टूडेंट से यहीं पर बात करते हैं। कैसा रहा भाई पेपर? तो और स्टूडेंट्स आएंगे, दो चार और स्टूडेंट से बात करेंगे। आपने भी दिया पेपर? अच्छा, यहाँ पर भाई अभी खड़े हैं पेपर देख रहे, इधर आ जाओ थोड़ा, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नीरज। नीरज भाई कहाँ से आए थे? हम हरियाणा से। हरियाणा से? हरियाणा में कहाँ? हरियाणा भिवानी से। अच्छा, तो बताओ पेपर का कैसा लेवल था? पेपर जैसे मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल ईजी थी। हाँ। बाकी थोड़ा जीके भी थोड़ा बहुत सही था। और जैसे करंट अफेयर 2019 का पूछ रखा है। 2019 का पूछ रखा है? हाँ। तो 23-24 का कुछ नहीं पूछ रखा है और 19 का भी पूछ रखा है। आपने कितने साल के देखे थे करंट अफेयर? मैंने 2022-23 के और 24 के। अच्छा, तो कितने साल अगर देखे तो मतलब वो पूरा कर सकते हैं करंट अफेयर? अभी जैसे 2018 से 2024 तक के देखे तो हो सकता है जीके में बेस्ट। बाकी इंग्लिश थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी। इंग्लिश मॉडरेट लेवल। और GS में क्वेश्चंस का लेवल कैसा है? मतलब ज़्यादा टफ है? बेसिक है, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट तरीके से वो डाल रखे हैं, लेकिन है बेसिक से। अच्छा अच्छा, मतलब टैकल करने में मुश्किल हो रहे हैं लेकिन है बेसिक। हाँ। बाकी सब जिसने मतलब जिसका कंसेप्ट अच्छा है या फिर मतलब 2-3 साल बढ़िया तैयारी की है, वो कर सकता है, वो आराम से कर जाएगा। आराम से। और क्योंकि जीके GS में ही अटेम्प्ट करना होता है, बाकी तो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है। और रह गया इंग्लिश, इंग्लिश में क्या बताना चाहोगे, कितनी तैयारी की ज़रूरत है ताकि वो यहाँ पर MTS में आसानी से कर जाएगा? इंग्लिश में तो देखो अभी लास्ट जैसे कंसिस्टेंसी मैटर करती है बंदे की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखे थे आपने? हाँ देखे थे। कितने साल के? मैंने 2022 के और 20 के देखे। अच्छा, 2022 के 20 के। तो कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रिपीट होता है क्वेश्चन, हुआ रिपीट कुछ इस बार? रिपीट तो नहीं, वैसे जैसे सिनोनिम एंटोनिम तो रिपीट हो जाते हैं, बाकी टेंसेस वगैरह ये तो नए आते हैं हर साल। हाँ ये तो नए पुराने रिपीट नहीं होते है ना। तो क्या कहना चाहोगे? एंटोनियम वगैरह, वन वर्ड वगैरह ये वैसे ही रिपीट होते थे, ये सब रिपीट हो रहा है ना। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और स्टूडेंट्स है, कैसा रहा भाई? खतरनाक सारे कर दिए एक नंबर। चलो ठीक है भाई का भी अच्छा गया है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर और स्टूडेंट्स है, हम पूछना चाहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा कैसा रहा भाई? कैसा रहा भाई पेपर? भाई इनका था पेपर। हाँ भाई बता रहे कैसा रहा? भाई बताओ ज़रा। तो यहाँ पर भाई बताना चाहोगे कैसा गया भाई? ये दिखा है, ये दिखा है एग्जाम। क्या पैटर्न है एग्जाम? तुम भी तो देकर आ रहा हो, कैसा रहा भाई? गैंड पार्टी की। रुक जा दो मिनट बस भाई। तो स्टूडेंट्स अभी लास्ट ईयर में रुकना नहीं है भाई। कैसा गया? जो पेपर देकर आ रहा है वो तो भाग ही रहा है, जिसने पेपर दिया वो बताना ही नहीं चाह रहा है। और थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा ऐसा होता है कि सब जल्दबाजी में रहते हैं स्टूडेंट्स। कैसा रहा मैम पेपर? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे, इजी था या हार्ड? थोड़ा रुक जाइए दो मिनट के लिए। और मॉडरेट था। हाँ जी। इंग्लिश और जीके का बताइए कैसा जा रहा? जीके थोड़ा करंट अफेयर्स में से ज़्यादा था। हाँ। और आपका इंग्लिश बहुत इजी था। हाँ जी। जैसे कि हम भी लगातार रिव्यू कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं जीके में कुछ मुश्किल सवाल आ रहा है जो कोई नहीं कर पा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, जिसने रेगुलर बेसिस पे मुझे लगता है जिसने पढ़ा होगा तो वो इजीली कर सकता है उस चीज़ को। ओके, ऐसे कितने क्वेश्चंस है जीके में जो एडवांस लेवल पे है, जो मतलब थोड़ा बाउंस कर? ऐसा एडवांस लेवल पे तो मुझे लगा नहीं कुछ, लेकिन हाँ जिसने करंट अफेयर्स डेली पढ़े होंगे उसको इजीली कर सकते हैं। और हमारे 2019 और 20 में से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस थे। 19 और 20 के क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी। और 23-24 के कोई हाल फिलहाल के मुद्दे पे कोई क्वेश्चन? 24 का वन क्वेश्चन था बस, एक ही क्वेश्चन। हाँ हाँ बस। और बाकी करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन थे टोटल? करंट अफेयर्स के होंगे अप्रोक्सीमेटली 5 और 6 क्वेश्चन।
ओके चलिए, ठीक है, थैंक यू।